sitting MLA of Udaipur Rural, Mrs. Sajjan Katara, wife of late MLA Katara. She is working hard for the peoples of the Udaipur, and we will talk her about the, his priorities for 2012 and what he has done in 2011. सोनिया गांधी ने विशेष तौर पर ये योजना चलाई ग्रामीण क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत निःशुल्क। इसके तहत पूरे गांव के अंदर ऊपर दूर दराज इलाके में बिजली पहुंची है, जिससे ग्रामीणों को एक बहुत अच्छा उजाला मिला है। वर्षों से उनकी कल्पना थी कि हमारे बच्चे भी कभी लाइट के अंदर पढ़ सकते हैं, ये भी सोच नहीं सकते थे, लेकिन उनको आज उजाला मिलने से उनमें खुशी की लहर है और 80% इलाका मेरे ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। ये हमने चुनाव के दौरान उनको कहा था। एक हमने सड़कों से जुड़ने का काम किया था और ये बताया था लोगों को, जहाँ दुर्गम स्थल हैं सड़कें नहीं जा सकती थी, वो शहर तक पहुँच नहीं पाते थे लोग। आज ग्रामीण क्षेत्र में हैबिटेशन में प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे धार्मिक स्थानों की सड़कें हो, चाहे मिसिंग लिंक हो, इसके तहत हमने काफ़ी सड़कें दी हैं। और बहुत ऐसे ऐसे गांव, जैसे मैंने एक ये रोड मैंने सीधा जोड़ा है जो रायता से नायकपुरा निकलेगा, 2.25 करोड़ की लागत से ये रोड बन रही है। एक हमने और केली से बच्चा रोड दिया है जो फिर चाड़ू से होता हुआ इधर रामपुरा चौरा पर निकल जाएगा, ये रोड और दी है करीब 1.25 करोड़ की। इस तरह से कई गांवों को हमने, जैसे ये लाइन सड़क की पंचायत है मेरी, अभी जो विधानसभा क्षेत्र में मिली थी पूर्व में सरण में थी और मिली, उसके अंदर चाहे वो सरू पंचायत ले लो या पटुना ले लो, टीडी ले लो, जावर ले लो, इन सारी पंचायतों में हमने हैबिटेशन के अंदर सड़कें दी हैं। और वो ऐसे स्थान जुड़ेंगे जैसे कभी कल्पना नहीं कर सकते थे वो लोग कि हमारी ये सड़कें वहीं पर बनेगी और काली हो जाएगी, डामरीकरण हो जाएगा इसमें, लेकिन आज उनका सपना साकार हुआ है। तो निश्चित रूप से उनको एक विकास की कड़ी में जोड़ने का काम किया हमने। इसके साथ जहाँ जहाँ पर हम पानी की लाइनें पहुँचा सकते थे वो पहुँचाई है और पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हैंडपम्प की जरूरत थी वह हैंडपम्प भेजे हैं, ट्यूबवेल की जरूरत थी वहाँ ट्यूबवेल दिए हैं, और पनगढ़ की जरूरत थी वहाँ पनगढ़ भी दी। इस तरह से पानी का प्रबंध भी हमने किया है। जैसे मैं एक मोटे तौर पर छोटे छोटे तो हमने बहुत काम किए, लेकिन बड़े स्तर पे हमने जैसे भुआड़ा चित्रकूट नगर की योजना बना के जो 6-7 करोड़ की योजना है, वहाँ पर पानी, वहाँ भुआड़ा पंचायत में करीब 20,000 के लगभग मतदाता हो गए, वहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। तो चुनाव पीरियड में मैं जब गई थी और तब मैंने उनको आश्वासन दिया था कि आपके पानी की आप प्रबंध कराएंगे, अब वो पूरी होने जा रही है। ये मेरे को बहुत बड़ी बेहद खुशी है। करीब 2 टंकी तो बन के तैयार हो गई हैं, जो एक तो 18 लाख लीटर की है, एक 20 की है और एक 5 की है। तो एक कभी निर्माणाधीन है, 2 बन के तैयार होगी, उसके साथ साथ पाइपलाइन का काम भी हो रहा है। ये बहुत बड़ी एक काम उनके लिए हुआ है, चित्रकूट नगर और भुआड़ा क्षेत्रवासियों के लिए। उनको हमेशा हमेशा के लिए स्थायी तौर पर पानी का प्रबंध किया है। एक हमने वड्रा पंचायत के अंदर पाइपलाइन बिछा के वहाँ के लोगों को कुआं हमने खोदा, और कुआं मैंने मेरे हाथ से पहला शुरुआत मैंने की, और उस कुएं में इतना पानी आया, इतना काम पानी आया कि उस इलाके में पूरी पंचायत के लिए उस कुएं से पाइपलाइन डाल के हम पानी ले गए इलाके में, और नाथावतों का गुड़ा और आसपास का इलाका, वहां पर भी हमने पानी का प्रबंध कर दिया है। एक नाई क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी पानी की मांग थी, जो मेरे आने से पूर्व कई बार वो धरने प्रदर्शन आंदोलन कर चुके थे, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिला था। अब मैंने मानसिक की जो लाइन आती है उनकी मांग थी, क्योंकि नई पंचायत ने जब फिल्टर प्लांट बना था मानसिक का, तब मांग रखी थी कि हमारी जमीन जा रही है 16-17 बीघा, तो इसके एवज में हमको नई क्षेत्रवासियों को पानी उपलब्ध कराया जाए। तब कोई लिखित मित नहीं दिया था, लेकिन उसमें कटारा साहब MLA थे पूर्व में 98 वाले में, तब उन्होंने कहा था कि आपको पानी जरूर इस लाइन से पिलाएंगे, लेकिन
फिर वो काम हुआ नहीं। तो मैंने आने के बाद चुनाव प्रचार में मैंने वादा किया था किसी लाइन से आपको पानी ना ही क्षेत्रवासियों के लिए, जो पानी की बहुत कमी थी। हाँ, 2012 में मेरी इच्छा है तो मेरे इलाके में कॉलेज खुले। सबसे पहला काम तो ये है, और वो मैंने पूर्व में मुख्यमंत्री से भी मैंने आग्रह किया, निवेदन किया कि एक तो बालिका कॉलेज खुले जिससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हम कोई विकास के काम करने में ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पर लोग बाग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये है, और एक शेष मेरा इलाका रह गया विद्युतीकरण से, वो जुड़े जिससे लोगों को पूरा राहत मिले। और थर्ड और फोर्थ फेज, पहले तो ये हमारी अभी पूरी बन के हम उदयपुर को पानी शुरुआत करके बड़ा प्रोग्राम रखना चाहते हैं, और ये हमारी सरकार की देन है। मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में कि हमने प्रयास करके दो बड़ी योजना जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में, एक तो उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान IIM आया है मेरे इलाके में, ये हमारे लिए बहुत, मेरे को बहुत बड़ी उपलब्धि, हमारे लिए गौरव की बात है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर सीपी जोशी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री जी ने अलग हटके दिया और इस योजना को पूरा कराया, क्योंकि योजना एक्चुअली हमारी सरकार की योजना थी, इस वजह से पूरा करना जरूरी था। और मुख्यमंत्री जी अभी 3 महीने पहले आए थे, खुद ही इस मौके पर गए, उसका अवलोकन किया, और जो कमी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए भी बजट हमको दे दिया। तो इस तरह से ये योजना गढ़ी के नाम से हुई और बहुत बड़ी हमारे को उपलब्धि हुई है।